बिजली आई खुशियां लाई, बिजली बचाओ पर्यावरण बचाओ और उज्जवल भविष्य बनाओ। देश को विकास और गति देने में बिजली अहम भूमिका निभाती है। विकास के पहिए लगातार चलते रहे, इसलिए चाहिए निर्बाध निरंतर बिजली। एमबी पावर मध्य प्रदेश लिमिटेड हिंदुस्तान पावर ग्रुप का देश का एक प्रतिष्ठित थर्मल पावर प्लांट है। ये प्लांट मध्य प्रदेश के जिला अनूपपुर की तहसील जयथरी में स्थित है। ये 600 मेगावाट क्षमता के दो यूनिट की पावर जनरेशन कंपनी सामान्य बिजली घरों से कहीं अधिक उन्नतशील है। साथ ही सब क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को अपनाकर कोयले के कम खर्च से अधिक बिजली बनाई जा रही है। बिजली उत्पादन की तेज रफ्तार और पर्यावरण के बीच संतुलन बिठाते हुए लगभग 85% बिजली की खपत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ देश के अन्य राज्यों में की जा रही है। किसी भी थर्मल पावर प्लांट में कोयला मुख्य ईंधन के रूप में उपयोग होता है और बिजली का उत्पादन किया जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में कोयला जलने से फ्लाई ऐश उत्पन्न होती है, जिसका निष्पादन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के नियमानुसार किया जाना चाहिए। दिसंबर 2021 में फ्लाई ऐश के प्रबंधन हेतु नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अनुसार देश के सभी थर्मल पावर प्लांटों को उत्पादित फ्लाई ऐश का 100% उपयोग सुनिश्चित करना है। साथ ही ये भी हिदायत दी गई कि अगर वे 100% फ्लाई ऐश का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो उन्हें 1000 प्रति टन की दर से एनवायरमेंटल कंपनसेशन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भुगतान करना होगा। विगत 5 वर्षों से एमबी पावर मध्य प्रदेश लिमिटेड द्वारा उत्पादित फ्लाई ऐश का 100% उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसमें बॉटम ऐश एवं पॉन्ड ऐश का उपयोग भी शामिल है। इन वर्षों में उत्पादित देश के 100% उपयोग के अलावा लेगेशी ऐश की भी कुछ मात्रा उपयोग की गई है। वर्ष 2018-19 में 103.68%, वर्ष 2019-20 में 102.96%, वर्ष 2020-21 में 113.70% एवं वर्ष 2021-22 में 100.21% फ्लाई ऐश का उपयोग किया गया है। वर्तमान वर्ष 2022-2023 में भी 100% फ्लाई ऐश के उपयोग का लक्ष्य हासिल किया जा रहा है। पॉल्यूशन को कम करने के लिए आप एक ऐश मैनेजमेंट को अपना रहे हैं, तो ये ऐश मैनेजमेंट में आप क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं वो आप बताइए। ऐश मैनेजमेंट के लिए देखिए, जो ऐश प्रदूषण होता है, अगर दिन में मान लीजिए 660 मेगावाट की मैं बता रहा हूँ, मेरा प्लांट का दो प्लांट में हमारा 600 × 1200 मेगावाट का प्लांट है, तो लगभग 6000 टन ऐश प्रोड्यूस होता है दिन में। 6000 टन ऐश प्रोड्यूस होता है, ओके। तो 6000 टन का ऐश मैनेज करना, डेली बेसिस पे मैनेज करना आपको, और साल भर मैनेज करना बहुत कठिन काम है। उसमें से आपको सारे पोल्यूशन को देखना है, ऐश को कहाँ गिरना नहीं चाहिए, जो भी है पोल्यूशन रिलेटेड जो वो सारा चीज़ को हमको देखना पड़ता है। तो एक तो आपको बताया ESP बता दिया, जो ESP में हम लोग ऐश को ऊपर नहीं छोड़ रहे हैं, उसमें से ऊपर जैसे चिमनी में जाएगा वो क्या होगा, इतना बड़ा एरिया में स्प्रेड होगा, स्प्रेड होकर इधर उधर होगा, जो कि ठीक नहीं है एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए हम ऐश को कलेक्शन कर देना, पहले वो ऐश जो भी हो रहा है हमारा, हम नीचे कभी नहीं डाल रहे उसको, उसको कन्वेइंग सिस्टम हमारा निमाचिक सिस्टम है, तो सिस्टम में कन्वे होके साइलो में चला जा रहा है। साइलो से हम सिस्टम लगा हुआ है जिसमें कि डायरेक्टली साइलो से आपका बल्कर में लोड हो जाता है। तो ये लोड में ऐश कहाँ आने का हमारा चांसेस कम है, और जो भी बल्कर आ रहा है जा रहा है, हम लोग वाशिंग सिस्टम लगा, तो बल्कर वाशिंग के लिए हम लोग क्या करें, बल्कर वाश करके बाहर जाता है, और जो ऐश निकल गया उसको कलेक्शन करते हैं ऐश को, और हम लोग उसको दूसरा जगह पर यूज कर लेते हैं। आइए जानते हैं एमबी पावर लिमिटेड फ्लाई ऐश के निष्पादन एवं प्रबंधन के लिए क्या तकनीक अपना रहे हैं, जिससे इसका उपयोग पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार हो सके। फ्लाई ऐश पर आधारित उत्पाद अर्थात ईट, ईट ब्लॉक, टाइल, फाइबर सीमेंट शीट, पाइप, बोर्ड और पैनल का विनिर्माण किया जा रहा है। एमबी पावर थर्मल प्लांट का स्वयं का ब्रिक प्लांट है, किंतु सीमेंट निर्माण और ब्रिक्स निर्माण के साथ ब्लॉक्स बनाने हेतु फ्लाई ऐश ब्रिक प्लांटों में सप्लाई की जा रही है। सीमेंट निर्माण, रेडीमिक्स कंक्रीट के साथ एस्बेस्टस रूफ शीट निर्माण हेतु फ्लाई ऐश सप्लाई की जा रही है। सड़क निर्माण और फ्लाईओवर के रेलिंग का निर्माण, बांध का निर्माण, निचले क्षेत्रों को भरने में फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया जा रहा है।
निचली भूमि व खदानों के खाली गड्ढों का समतलीकरण करने में उपयोग किया जा रहा है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के नोटिफिकेशन और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार भूमि में उपलब्ध गड्ढों में व खदानों में फ्लाई ऐश भरण से जहां एक ओर फ्लाई ऐश का 100% उपयोग सुनिश्चित हो पा रहा है, वहीं गड्ढे नुमा बेकार पड़ी खदानों का समतलीकरण कर उपयोगी बनाया जा रहा है। लेकिन इस काम को धरातल पर मूर्त रूप लाने के लिए एमपी पावर मध्य प्रदेश लिमिटेड ने एक टीम बनाई जिनका काम है आसपास गड्ढे नुमा अनुपयोगी भूमि और खदान तलाशना एवं भूमि स्वामी की सहमति के पेपर और दस्तावेज एकत्रित करना होता है। वहीं दूसरी टीम पर्यावरण प्रबंधन विभाग उक्त भूमि का सर्वे करती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करती है। पर्यावरणीय अध्ययन तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति हेतु आवेदन देना, क्षेत्रीय अधिकारी का स्थल निरीक्षण, तदुपरांत फ्लाई ऐश मैनेजमेंट टीम नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए फ्लाई ऐश का भू भराव करती है। इस पूरी प्रक्रिया में निम्न स्टेप्स शामिल होते हैं, भूमि को तलाशना और उसकी उपयुक्तता का परीक्षण करना, भू स्वामी की सहमति प्राप्त करना, शासकीय भूमि के मामले में कलेक्टर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना और प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था करना। जिस तरह फ्लाई ऐश का भू भराव किया जाएगा उस एरिया में डिमार्केशन करना और रिटेनिंग वॉल का निर्माण करना जरूरी होता है। इसके अलावा फ्लाई ऐश का परिवहन ट्रक को तारपोलिन से ढककर किया जाता है। फ्लाई ऐश का भूमि भराव करना डोजर की सहायता से लेवलिंग, रोलर के कम्पेक्शन, जल छिड़काव, मिट्टी की परत से ढकना और प्लांटेशन करना जैसे कार्य शामिल है। फ्लाई ऐश मैनेजमेंट टीम इन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए फ्लाई ऐश का निष्पादन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सकरा में जो हमने ऐश फिलिंग किया है वहाँ पर प्लांटेशन का काम किया है, तो उसमें हमने ये देखा है कि हमने यूकलिप्टस का प्लांटेशन किया है, तो 7-8 महीने में ही वहाँ पर 15-16 फीट के हाइट के यूकलिप्टस के पौधे वहाँ ग्रो हुए हैं। तो इतने कम समय में इतना पौधों का ग्रो करना यह प्रमाणित करता है कि निश्चित ही इसमें ये उपजाऊ होती है भूमि ऐश फिलिंग के बाद। मोजर बियर अभी उसको पटवा कर समथलीकरण कर दिया गया और हमारे बच्चे के पास कोई भी खेलने की जगह नहीं थी, आज एक बेहतरीन मैदान बना के दे दिया है। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ मोजर बियर की। अभी तक एमबी पावर मध्य प्रदेश लिमिटेड द्वारा प्लांट के बाउंड्री परिसर के अंदर और आसपास के ग्रामों में जैसे सकरा ग्राम, राजेंद्र ग्राम, लहरपुर, धनगवा, छीरापटपर और परशावर ग्राम की खदानों में फ्लाई ऐश से सफलतापूर्वक भू भराव किया गया है। यहाँ आज खेल का मैदान है, कहीं पर नीलगिरी के पौधों का प्लांटेशन है, तो कहीं खेती हो रही है। फ्लाई ऐश मैनेजमेंट टीम के प्रयासों से आज इन कंप्लीट साइट्स की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई है। वर्तमान में कुछ जगहों पर जैसे धनगवा जैथरी जमुनी ग्रामों में और शारदा ओपन कास्ट माइंस में भू भरण का काम जारी है। एमपी पावर थर्मल प्लांट द्वारा प्रस्तावित साइट्स जैसे जमुना ओपन कास्ट कोल माइंस, ग्राम चौंडी का निचला क्षेत्र, ग्राम समदा टोला स्टोन माइंस, गढ़ी गोतमा स्टोन माइंस में फ्लाई ऐश से भू भराव किया जाएगा। विगत 2 वर्षों से एमबी पावर द्वारा अनूपपुर और शहडोल जिले में जो परित्यक्त खदाने हैं, जो गड्ढे हैं, उन गड्ढों में वैज्ञानिक ढंग से फ्लाई ऐश का भराव कर उस अनुपयोगी भूमि को उपयोगी भूमि में कन्वर्ट करने का कार्य किया जा रहा है। अब ये जमीन लेवल होने के बाद ये कई तरह के जन उपयोगी कार्यों के लिए उपयुक्त है, जैसे कि चारागाह हुआ, हाट बाजार हुआ, खेल कूद का मैदान आपका हुआ। अगर फ्लाई ऐश जो है इनका वेस्ट मटेरियल था वो एक फिलर मटेरियल के रूप में इस्तेमाल में आ रहा है और इनके फ्लाई ऐश से भरने से अपना जो मिट्टी है उस मिट्टी की भी बचत हुई जो कि नेशनल रिसोर्स है। गो ग्रीन गो क्लीन की तर्ज पर आज एमपी पावर मध्य प्रदेश लिमिटेड पावर प्लांट में प्रदेश के दूसरे बिजली घरों की तुलना में अधिक बिजली का उत्पादन हो रहा है और देश की प्रगति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।